नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल लर्निंग टाइम में स्वागत है। मैं आज आपके लिए भील में जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं उसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, चाहे तो आप देख लीजिए और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, जिससे कि आपको समझ में आ सके कौन सी वैकेंसी कहाँ निकली है। आपको मैं बता रहा हूँ तो वेबसाइट आपकी है ये careers.bhil.in। इस पर आप जाएंगे तो आपको ये निकला है रिक्रूटमेंट ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल। यहाँ मैं देखिए इस पर क्लिक कर रहा हूँ। ये रखने पब्लिक नोटिस निकला हुआ है, पब्लिक नोटिस ऑफ फ्रेडलैंड। एक तो ये नोटिस निकला हुआ है, ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ 18 अगस्त से चालू हुआ है और क्लोजिंग डेट है आपकी 7 सितंबर 2021। यानी अभी आपके पास 6 दिन और हैं, आप इसको कर सकते हैं। लॉगिन विद एक्नॉलेज नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। या आप ना पहले तो अपना ये एंटर कैप्चर डायल करेंगे, इस तरीके से कर सकते हैं। क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। देखिए इंटरफेस आ गया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, अभी पूरा इंटरफेस आ रहा है इसका। ये देखिए आपका ये इस तरीके से आएगा इंटरफेस। इसको देखिए आप, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। पोस्ट अप्लाइड फॉर, आपको किस पोस्ट के लिए करना है अप्लाई, SMO पोस्ट के लिए निकली है। सिलेक्ट स्पेशलाइजेशन, आपका किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन है, मेडिसिन एनेस्थीसिया आपका जिसमें भी है आप उस पर आप क्लिक करेंगी। देखिए मैंने जैसे इस पर कर दिया, मेडिसिन है तो। और फिर आपको क्या करना है, लोकेशन प्रेफरेंस देनी है आपको। पहली लोकेशन भोपाल दे दिया आपने, दूसरी लोकेशन हरिद्वार दे दी, तीसरी लोकेशन आपने दे दी हैदराबाद, ठीक है। तो अब आप इसमें प्रोसीजर करेंगे, प्रोसीजर टू एप्लीकेशन। इस तरीके का फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। देखिए ये फॉर्म पूरा आ चुका है। पोस्ट अप्लाइड फॉर अपनेस्ट मेडिसिन और अ पर्टिकुलर डिटेल, आपको अपना नाम भरना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, नेशनलिटी सिलेक्ट, रिलीजन सिलेक्ट करना है, कास्ट, चाहे आप एक्स एन सर्विस हो आप उसको देखना है, बताना है आपको। यहाँ स्टार लगा हुआ है, स्टार की कैटेगरी मतलब इनको फिल करना ज़रूरी है। डॉट स्टार का मतलब ये, आप फिजिकली हैंडीकैप तो नहीं है, मैरिटल स्टेटस क्या है आपका। आपको फिर इसमें एड्रेस वेरीफाई करना है, एड्रेस अपना भरना है, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो जो चीज़ एप्लीकेबल यहाँ पर मांगी गई है वो करना है। तीसरा आपको अपना एकेडमिक डिटेल भरनी है, नेम, एग्जामिनेशन आपने जो पास किया है यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से काफ़ी डिटेल आ जाएगी। बोर्ड, मंथ ऑफ ईयर एंड पासिंग, कब आपने पास किया था वो मंथ और ईयर पास का वो बताना है आपको, और आपने कितने मार्क्स सिक्योर किए थे, टोटल मार्क्स यहाँ पर आएंगे, ठीक है, मार्क्स और टोटल मार्क्स मैक्सिमम में, ठीक है। अगला है प्रोफेशनल, आपने ना प्रोफेसर ना प्रोफेसर एग्ज़ाम पास किया है तो आप इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे, आपका MBBS अदर्स कौन सा करा है, ठीक है। अदर में किसी में आपको है ना स्पेसिफाई है आप, तो उसने नेम ऑफ कॉलेज, इंस्टीट्यूट, एफिलेटेड यूनिवर्सिटी, कंट्री का नेम, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, FMG पास डेट आपको बतानी है, अगर करता है करी है तो, अगर नहीं तो कोई बात नहीं है। डिटेल्स ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड, FMG टेस्ट में आपने कितने करे थे, टोटल मार्क्स ये यहाँ पे आउट ऑफ मंथ ईयर पासिंग की डेट बतानी है आपको। डिटेल्स ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड कितने आपने करे हैं वो भी बताने हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आपको PG डिग्री, ये तो UG प्रोफेशनल हो गया, अब PG मतलब अगर आपकी कोई PG डिग्री है, मतलब अगर पोजिस्टेशन डिग्री है MBBS के अलावा आपके पास, फॉर एग्जांपल MS MD, ठीक है, उसकी पूरी डिटेल आपको भरनी है एज इट इज़ आपको, जैसे यहाँ पर आपने UG प्रोफेशनल का भरा था। इसके बाद ट्रेनिंग डिटेल भरनी है आपको, ट्रेनिंग डिटेल में इंस्टीट्यूशन का मतलब आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली है, कितने से कितने दिन तक या कितने महीने तक ली है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है और पोस्ट आपने किस पोस्ट पर काम किया था, ठीक है। दूसरा है आपको डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस बताना है आपको, इंस्टीट्यूशन में बताना है कहाँ से कहाँ तक करा था आपने, और ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट आपकी क्या थी और सैलरी कितनी थी आपकी। इसके बाद है एकेडमिक अचीवमेंट, आपको कुछ एकेडमिक अचीवमेंट मिली है वो भी आप इसमें डिटेल फिल करिए, मतलब आपने कुछ अचीवमेंट हासिल करी है, रिसर्च पब्लिक या फिर स्कॉलरशिप अवार्ड या जो भी है उसको। मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ही भरनी है आपको, मेडिकल देना काउंसिल रजिस्ट्रेशन, ये सब जितने भी मेडिकल लेना होते हैं उनको मिलती है ऑलरेडी, आप सेलेक्ट करेंगे आपको मिल जाएगा, बता दिया जाएगा कौन सी काउंसिल से आपने करा है, ठीक है। इसके बाद आपको इसकी रजिस्ट्रेशन डेट, काउंसिल का जो भी है सब डिटेल फिल करना है, प्रेजेंट एम्प्लॉय अभी आप कहाँ पर हैं, काम कर रहे हैं प्रेजेंट में, और दूसरा उसके बाद आपको डिटेल्स ऑफ बेल एम्प्लॉयमेंट वार्ड्स एम्प्लॉयज़, अगर आप ऑल एम्प्लॉयज अगर है ना प्रेजेंट एम्प्लॉय बेल किए हैं तो वो भी सिलेक्ट करिए, नहीं इफ़ यस यदि हैं तो स्टाफ नंबर भरना है, नहीं है तो कोई बात नहीं है इसको छोड़ दीजिए, फिर सबमिट एप्लीकेशन आपको क्लिक करना है। तो इस तरीके से पूरा फॉर्म भरा जाएगा, इसके बाद आपका वो आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म के बाद आपका आ जाएगा इसमें आपका
फॉर्म आपका आएगा पेमेंट का, तो उसको भी आप फिल कर लीजिएगा। ये तो डिटेल मेरे पास नहीं है, तो मैं इसमें फेक डिटेल डाल के नहीं बताना चाह रहा मैं आपको। इतना प्रोसेस तो आप कर सकते हैं। अगर कोई इंक्वायरी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे कमेंट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।